हाँ जी, सत श्रीकाल भी सारे शेयर पुथे यार। हाजिर हाँ अपने नए वीडियो नाल। एक बयान आता है, लोग उनकी मानसिकता देखने वाली है, सोच देखने वाली है। मोदी साहब ने अपने जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को 8 चीते अफ्रीका से, नामीबिया एक देश है वहां से, भारत में है ना, लेके आए। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वहां पे चीते डाले। तो भाई बहुत लोगों ने प्रेज किया जी चीते आ रहे हैं, क्योंकि 1952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। छत्तीसगढ़ के किसी राजा ने आखिरी 3 चीते भी मार दिए थे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग हैं, लोगों की मानसिकता। भाई चीता, आप लोग बताओ चीता क्या खाता है? आलू खाता है, अंडे खाता है, पालक खाता है, सलाद खाता है, ठीक है जी, हरी सब्जी खाता है कोई? ठीक है, क्या खाता है? सबको पता है, सबके घर में डिस्कवरी चैनल आता है, बीबीसी वर्ल्ड आता है, नेशनल ज्योग्राफिक आता है। चीतों के शिकार क्या होते हैं? हिरण होते हैं, वाइल्ड बीस्ट होते हैं, हाथी के बच्चे होते हैं। तो इंडिया में जब आएगा तो इंडिया में कोई उसे पोहे दिए जाएंगे, आमलेट दिया जाएगा, या छोले कुलचे दिए जाएंगे हैं, या उसे पराठे खिलाए जाएंगे आलू के? ओ भाई, बिल्ली भी सोचने लग जाएगी मैं कौन से लैंड पे आ गया हूं। तो यहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई उसे हिरण क्यों दे दिए? और दिमाग से पैदलों, गधों, सालों, चीता आया सलमान खान नहीं आया। चीता इकोसिस्टम में, फूड चेन में टॉप पे है। कभी थोड़े तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा दिया होता ना, तुम्हें समझ होती कि वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी बैलेंसिंग क्या होती है। हैं, वहाँ पे उसको कह रहे हैं बिश्नोई समाज है राजस्थान का। हैं, एक बिश्नोई तो साला हरामी, इनका लॉरेंस बिश्नोई, साले को कवरेज दे रखी है, बाहर आए तो पंजाब वाले इसकी बकियां उखाड़ देंगे। लेकिन ये बिश्नोई वाले साले कह रहे हैं कि इसको चीतल क्यों दे रहे हो, हिरण क्यों दे रहे हो? चीतल जो होता है हिरण होता है। और दिमाग से पैदलों, अन्नी देओ, तो मैं क्या, तुमने पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ नहीं करी हैं? चीता क्या खाएगा? हिरण नहीं खाएगा तो आलू खाएगा, सब्जी खाएगा, दाल खाएगा? और दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? हैं, पत्तियाँ खाएगा वो, अमरूद खाएगा, सेब खाएगा शिमला के, हैं, या आलू के पराठे खाएगा? तुम्हारी माँ बना के लाएगी उसके लिए? हैं, बातें कर रहे हैं साले। और यहाँ तो अपना ये सब ड्रामा छोड़ो, हैं, बिश्नोई समाज वालों, हैं, एक तो तुमने सिद्धू मूसे वाले को, तुम्हारे बिश्नोई ने ठोका, उसकी भी खैर नहीं, शूटर तो ठोक दिए हैं, उनको भी बचे हुए को भी ठोक ठाक देंगे बहन चौधों को। तो भाई ये चीतों का, ये जो तुम दे रहे हो ना कि भाई मोदी जी को, अरे नहीं चीते नहीं देंगे, चीते वो चीतल हिरण नहीं देंगे, हिरण तो हम बचाते हैं। ओ भाई सलमान खान नहीं आया, अब चीता आया, शेर आएगा, उसको भी, उसको मीट चाहिए, रेड मीट है। पढ़ो पढ़ो, ये जानवरों को क्या चाहिए, बब्बर शेर को क्या चाहिए, बाघ को क्या चाहिए? तुम्हारे घर के पाले हुए कुत्ते नहीं है जो ने रोटियां चाहिए, दाल चाहिए, दाल मखनी चाहिए, पनीर मसाला चाहिए? हैं, वो हिरण नहीं देंगे, हिरण नहीं देंगे, यहाँ पे नहीं चलता। हैं, भारत में वाइल्ड लाइफ अच्छा है, मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है, मैं इसको सल्यूट करता हूँ मोदी जी को। और मोदी जी थोड़ा सा आप अवेयरनेस, इसमें आपको बहुत पहचान है, तो मेरा ये है कि इन लोगों को भी अवेयर करें कि भाई जो चीता होता है दुनिया में सबसे तेज भागने वाला जानवर है,
इससे तेज ये 112 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मैक्सिमम है, 3 सेकंड में 90 किलोमीटर ये पकड़ लेता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पोर्ट्स कार। लेकिन कुछ लोगों को बिश्नोई समाज और ये सब ड्रामे, इन लोगों को समझ पल्ले कखनी, और हर चीज़ में धार्मिक राजनीति प्रेम, हिरण फूड चेन में नीचे आते हैं, उनसे नीचे आते हैं आपके छोटे जानवर, उनसे नीचे आते हैं ठीक है आपके फूल पत्ते, सबसे नीचे जो आते हैं वो आते हैं पेड़ पौधे, सबसे टॉप पे होते हैं कार्निवोरस, पिरामिड बनता है ठीक है। तो फूल पत्ते कौन खाता है? हिरण, भैंस ठीक है, दरियाई घोड़ा, जेबरा, उनको कौन खाता है? शेर, चीते, बघियार, तेंदुए। तो ये साइंस पढ़ो, अगर किसी भी चीज़ की उस हिसाब से कमी या ज़्यादा होगी तो वो पिरामिड जो है इकोसिस्टम बिगड़ता है ठीक है। हर चीज़ को धर्म से देखना, दुर्गा माता नीचे क्या रखती हैं? शेर, शेर की सवारी है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, शेर की सवारी है, हैं जाके बिश्नोई समाज उनके सामने रहो, शेर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? शेर खाता है हिरण, भैंसे ठीक है, बकरे, बकरियां ठीक है, खरगोश, बड़े बड़े जानवर हैं, गाय। ओ भाई अपने पत्थर पड़े ना, अपनी अक्ल पे उसको सुधार लो। आ आए बड़े कि हिरण नहीं देना, वो नहीं देना, ही चीता भी बेचारा सोचे, चीता वैसे ही बेचारा गुर्राता तो है नहीं, वो यहाँ से सोचे भाई मेरे को खाना तो मिलता नहीं है ठीक है। यहाँ पे ड्रामे बहुत हैं हिंदुस्तान में, कभी नवरात्रे, कभी कुछ, कभी श्राद्ध, कभी यो। साइंस के हिसाब से चलना चाहिए इंसान को, फूड हैबिट से कोई लेना देना नहीं है, खाता क्या है कौन क्या, और यहाँ तो चीतों की बात हो रही है बेसिकली है, और चीतों को तो बख्श दो, बेवकूफ़ हों, अक्ल पे पत्थर पड़े तो जाके पढ़ो लिखो। हाँ साले आ जाते हैं कहाँ कहाँ से मुँह उठा के। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।